एक महामारी जिसने लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त करके रख दी। जी हाँ, COVID-19 के चलते दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। इस बीमारी से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, शासन, प्रशासन, हर कोई अपनी ओर से इसकी रोकथाम की कोशिशों में जुटा हुआ है। इसको लेकर तमाम बातें भी सामने आ रही हैं और अब एक बार फिर से इसे लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है। क्या है पूरा माजरा, इस रिपोर्ट में देखिए। आखिर कब खत्म होगा कोरोना का रोना? कब पहले की तरह जिंदगी पटरी पर लौटेगी? कब तक ये डर का माहौल खत्म हो पाएगा? ये तमाम सवाल आज हर किसी के मन में है। लेकिन अब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आने वाले समय में कोरोना सामान्य फ्लू की तरह ही हो जाएगा। दरअसल देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों से ये बात सामने आई है। कोरोना वायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को ही प्रभावित कर रहा है और यही वजह है कि जहां ज्यादातर मरीज एसिम्प्टोमेटिक हैं, दूसरे देशों की तरह ये घातक भी साबित नहीं हो रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के निदेशक और जाने माने वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर देव प्रसाद चट्टोपाध्याय का कहना है, बढ़ती कोरोना टेस्टिंग के साथ मरीजों की संख्या में वृद्धि के आंकड़ों को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। वो आगे ये भी कहते हैं कि अपने शिखर पर पहुंचकर मई के आखिरी हफ्ते और जून के पहले हफ्ते तक कोरोना का मौजूदा संक्रमण काल काफी हद तक सिमट जाएगा। उनके मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों के आंकड़ों से ये बात सामने आई है कि 80-85% कोरोना संक्रमित मरीजों में ये वायरस शरीर पर हमला करने के बाद श्वसन तंत्र के ऊपरी हिस्सों में ही रह जाता है। नाक, मुंह और गले में म्यूकस बनाने वाली मोनोलेयर और बाइलेयर सेल्स के साथ बाकी सेल्स की भी संख्या कम होने की वजह से ये वायरस वहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते मरीजों में सामान्य तौर पर कोई गंभीर लक्षण नहीं मिल रहे हैं। वहीं ज्यादातर मरीजों में बुखार तक आने के लक्षण नहीं है। ऐसे मरीजों को गैर लक्षण रोगी यानी एसिम्प्टोमेटिक कहा जाता है। हालांकि 10-15% मरीजों में गंभीर लक्षण पाए गए हैं, लेकिन मरने वालों के ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि कोरोना संक्रमण के साथ ऐसे मरीजों में पहले से ही कोई गंभीर रोग या कमजोर इम्यूनिटी की वजह हो सकती है। इसके साथ ही भारत में कोरोना संक्रमण की तुलना अमेरिका, फ्रांस, इटली और ईरान जैसे देशों से नहीं की जानी चाहिए। डॉक्टर चट्टोपाध्याय के अनुसार हमारे परिवेश से जुड़ी तीन सबसे प्रमुख बातें हमारा सुरक्षा कवच साबित हो सकती हैं। पहला, हम पैथोजेंस के बीच में ही जन्म लेते हैं, जो जिंदगी भर के लिए हमें तमाम रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम काफी मजबूत होता है और मानव शरीर के लिए एक कवच का काम करता है। दूसरा फैक्टर BCG वैक्सीन है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनके अनुसार ये देखने में आ रहा है कि BCG वैक्सीन भारतीयों में संक्रमण के विस्तार को रोकने में सहायक रही है। वहीं तीसरा कवच हमारी ट्रॉपिकल जलवायु और पर्यावरण भी बीमारी से लड़ने में मदद कर रहा है। वो कहते हैं कि मुंह से निकलने वाली छींक या थूक के साथ बाहर आने वाले ड्रॉपलेट से ये संक्रमण फैलता है। ऐसे में जब तापमान अधिक है तो ये ड्रॉपलेट्स बाहर निकलने के बाद सूखने लगते हैं और छोटे हो जाते हैं, जिससे संक्रमण के लिए इनमें शक्ति नहीं बचती और वायरस कमजोर हो जाता है। खैर, कोरोना को लेकर यूं तो तमाम बातें सामने आ रही हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर कोरोना का अंत कब तक हो पाता है। DB Live की रिपोर्ट।